नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर बरडीहा मस्जिद में जश्न शहदाए करबला आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मस्जिद के इमाम मनवर अंसारी के नेतृत्व में किया गया। गढ़वा से आए मौलाना सफीउ जमा ने बताया कि आज हम सभी लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी जिंदगी सादगी के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दूसरों के लिए कुर्बानी देने की आदत डालनी चाहिए। हमें बलिदान के रास्ते पर आगे चलते हुए देश को तरक्की की राह पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन समाज का बड़ा हिस्सा उन अच्छे लोगों पर निर्भर है। इस मौके पर इमाम हाफिज मनवर अंसारी उपस्थित लोगों को बताया कि अगर हर इंसान इमाम हुसैन की जिंदगी से इबरत हासिल करे तो दुनिया में अमन चैन और आपसी भाईचारे में कभी खलल नहीं पड़ सकता। इमाम हुसैन की शहादत हमें बलिदान और सत्य के मार्ग पर चलने की नसीहत देती है। इसे समझकर लोग जितना ज़्यादा अमल करेंगे उनकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। इस मौके पर मौलाना नेमतुल्लाह अंसारी गढ़वा से मौलाना सफीउरजमा मौलाना आबिद हुसैन अमीर हसन अंसारी राहत हुसैन ताहिर हुसैन मकबूल अहमद वकील अहमद कमालुद्दीन अंसारी तस्मुद्दीन अंसारी मसूवर अंसारी असलम अंसारी डॉक्टर फिरोज आलम रईस अंसारी जसरुद्दीन अंसारी फुजैल अंसारी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।